हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी डिज़ाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने इस ड्रेस की कटिंग करी थी और साथ ही साथ उसकी स्टिचिंग भी करी थी। आज के वीडियो में हम इसका बाकी स्टिचिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसकी बो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 बो अटैच करनी है, उसके लिए मार्क लगाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे बटन के लिए मार्क लगा लें। यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें और यहाँ पे मार्क लगा लें। तो मैंने यहाँ पे टोटल जो है 3-3 इंच पे मार्क लगाया है। उसके बाद इनका सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो ये जो मार्क है इसके ऊपर हम बो अटैच करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 बटन और 3 बो अटैच होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बो बना लेते हैं। बो बनाने के लिए आप फैब्रिक ले लें कुछ इस तरह से। उसकी विड्थ जो है वो आप 4.5 इंच ले लें और उसकी लंबाई भी 4.5 इंच ले लें। यहाँ पे आपने चोर्स पीस लेना है बो बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 पीस लिए। तीनों को मैंने सेम लेंथ और सेम विड्थ में काट लिया है। अभी यहाँ से आप एक पीस लें और उसको इस तरह से फोल्ड करें लेंथ वाइज और उसके ऊपर यहाँ पे एक स्टिचिंग सिलाई दे दें कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपने सेंटर में स्टिचिंग सिलाई जो है वो नहीं देनी, यहाँ पे आपने गैप रखना है। तो उसी हिसाब से आप सेंटर मार्क कर ले और उसके बाद यहाँ पे करीब 1/2 से 1.25 इंच का गैप रख के फिर आगे बाकी की सिलाई कंप्लीट कर दें। तो उसके बाद आप इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करें और ये जो सिलाई है वो सेंटर में आनी चाहिए। और उसके बाद दोनों तरफ की एजेस को बंद कर देंगे आप सिलाई लगा के। तो दोनों तरफ एज पे सिलाई लगा लें। तो ये हमारी जो बो है वो पूरी बंद हो गई है। तो जो हमने बीच में गैप रखा है सिलाई में वहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए कोई भी नुकीली चीज़ ले लें, जैसे कि पेन, पेंसिल या फिर कुछ भी उस शेप में, और उससे थोड़ा सा इसको पुश करें बाहर की तरफ को फैब्रिक को और उसके बाद आप इसको सीधा कर लें। तो इसी तरह ही आप इसके कॉर्नर भी सीधे कर लेंगे किसी नुकीली चीज के साथ। तो ये हमारी बो का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अभी हम इसका सेंटर करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा सेंटर है। लेंथ वाइज जो हमारा सेंटर है वो सेंटर करके यहाँ पे एक बड़े स्टेप की सिलाई आप लगा दें। बड़े स्टेप वाली सिलाई लगाने के बाद ये धागे को आप इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पे कुछ प्लेट्स आ जाएंगी हल्की सी और यहाँ से इकट्ठा कर देगी बो को। ये जो थ्रेड बचा है इसको इसी के ऊपर ही आप इस तरह से रैप कर दें। तो ये हमारी जो है बो तैयार हो जाएगी। इसी तरह ही आपने बाकी की 2 बो भी तैयार करनी है। तो और साथ में ये एक स्ट्रैप बनानी है। ये स्ट्रैप बहुत ही सिंपल है। इसको फैब्रिक उल्टा करके उसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद उसके बाद आप इसको सीधा कर लें और उसको उसके बाद आप इस तरह से रैप करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप काट लेंगे। और उसके बाद आप सुई धागे के साथ इसको ड्रेस के साथ अटैच कर देंगे। पहले आप इसको इस स्ट्रैप को यहीं पे बो के साथ पक्का कर लें और उसके बाद आप इसको ड्रेस के साथ अटैच कर दें। यहाँ भी आपने मार्क किया है उसी जगह पे आपने ये जो बो है अटैच करनी है। और सेम प्रोसीजर से आपने बाकी की बो भी ड्रेस के ऊपर अटैच करनी है। यहाँ पे हम टोटल 3 बो अटैच करेंगे। तो ये देखिए कितनी ही ब्यूटीफुली ये जो बो है हमारी ड्रेस के साथ अटैच हो गई है। इससे हमारी ड्रेस की लुक बिल्कुल चेंज हो गई है। इसके बाद अभी हम इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हम नीचे फ्रिल अटैच करेंगे। फ्रिल अटैच करने के लिए पहले आप ये बटन वाले स्ट्रैप दोनों एक दूसरे के ऊपर रखें। जो साइड आपकी ऊपर आएगी, जो कि बो वाली साइड है वो ऊपर आएगी, उसको ऊपर रखें और बटन वाली साइड आप नीचे रखें और यहाँ पे एक सिलाई लगा लें। इसके बाद आप फ्रिल वाला फैब्रिक ले लें। सबसे पहले हम फ्रंट साइड की फ्रिल अटैच करेंगे। उसके लिए आपने जो साइड ड्रेस के साथ अटैच करनी है वहाँ पर आप इस तरह से लंबे स्टेप वाली सिलाई लगा लें। ये सिलाई जो है कच्ची सिलाई है। इसका धागा हम खींच के इसकी प्लेट्स डालेंगे और ये प्लेट्स जो हैं इसकी विड्थ को एडजस्ट करेंगे हम, जो हमारी ड्रेस की विड्थ है उसके हिसाब से। तो इस तरह से आप इसको धागा खींच के यहाँ पे हल्की हल्की प्लेट्स देंगे और उसके बाद इसकी विड्थ को ड्रेस की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट करके उसके बाद हम इस तरह से
दोनों को इकट्ठा रख के सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोनों राइट साइड अंदर रखेंगे, रॉन्ग साइड बाहर रखेंगे और इसको ड्रेस के साथ हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद हमारी जो फ्रिल है वो ड्रेस के साथ अटैच हो जाएगी। सेम प्रोसीजर से ही आपने बैक साइड वाली फ्रिल भी ड्रेस के साथ अटैच करनी है। वहाँ पे भी आपने इसी तरह प्लेट्स डालनी है धागा खींच के। और ये हमारी जो फ्रिल अटैच हो गई है, उसके बाद अभी हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई को पक्का करने के लिए जो सिलाई आपने पहले लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे और नीचे जो जॉइंट वाला फैब्रिक है उसको आप सिलाई के नीचे रखेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो इस तरह से आप ये इसके ऊपर आप सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आप ये इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी फ्रिल जो है अटैच हो गई है। सेम प्रोसीजर से आपने बैक साइड वाली फ्रिल भी अटैच करनी है। इसके बाद अभी हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। आपने जितनी भी ड्रेस की लेंथ रखनी है उसके बाद आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर को फोल्ड कर दें। तो यहाँ पे मैं बहुत ही माइनर सा फैब्रिक जो है अंदर फोल्ड करूँगी, करीब आधे से पौना इंच। तो इस तरह से आप उसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर भी आप स्ट्रेट सिलाई लगा लें। तो सेम प्रोसीजर से आप जो है इसकी फ्रंट साइड वाली भी सिलाई लगा लें। तो ये लीजिए, हमारी दोनों तरफ फ्रिल जो है वो अटैच हो गई है और नीचे से भी वो फोल्ड हो गई है। इसके बाद अभी हम इसकी आर्म्स अटैच करेंगे। सबसे पहले आप आर्म्स वाला फैब्रिक ले लें और उसके जो फ्रंट साइड है यहाँ पे हमने राउंड शेप दी है उसको आप इस तरह से फोल्ड कर लें। हल्का सा फैब्रिक अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे आपने डबल फोल्ड करना है और उसके ऊपर आपने स्ट्रेट सिलाई लगानी है। इसी तरह ही आपने दूसरी तरफ की आर्म पे भी सिलाई लगानी है। तो ये हमारी जो सिलाई है वो लग गई है। उसके बाद हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर यहाँ पे इस तरह से आप इसको फोल्ड करें और यहाँ पे एक कट लगा ले हल्का सा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी आर्म का सेंटर है। उसके बाद ये जो साइड ड्रेस के साथ अटैच होनी है वहाँ पे भी हम बड़ी स्टेप वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम प्लेट्स इकट्ठी करेंगे। प्लेट्स इकट्ठी करने के लिए ये बड़ी स्टेप वाली सिलाई लगा लें और इस तरह से धागा खींचें और जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी प्लेट्स डाल लें। और मैक्सिमम फैब्रिक आप प्लेट्स में ले लें क्योंकि हमने ये कैप आर्म्स लगानी है और ये पूरी हमारी सर्कल कंप्लीट नहीं करेंगे, ये सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगी। तो इसलिए आप ज़्यादा फैब्रिक जो है प्लेट्स में लेंगे। यहाँ पे हम ड्रेस के साथ जो आर्म अटैच करेंगे वो सिर्फ 2.5 इंच पे करेंगे। 2.5 इंच का गैप हम छोड़ देंगे। तो दोनों तरफ 2.5-2.5 इंच पे आप मार्क लगा लें और ये टोटल विड्थ जो है वो 5 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 5 इंच आर्म की विड्थ रख के इस तरह से हम जो है सेंटर से आर्म को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपने आर्म का सेंटर किया था और जिस जगह पे आपने मार्क लगाया है वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। इसीलिए आप सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपने मार्क किया है वहाँ पे आप इसको फिनिश कर देंगे। इसी तरह ही आप दूसरी तरफ भी सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करें, शोल्डर के जॉइंट के ऊपर से, और यहाँ तक आपने मार्क लगाया है वहाँ पे आप इसको ख़त्म कर दें। तो ये हमारी आर्म इस तरह से अटैच हो जाएगी। इसी तरह ही आपने दूसरी आर्म भी ड्रेस के साथ अटैच करनी है। और अभी ये दोनों तरफ हमारी आर्म्स अटैच हो गई हैं। उसके बाद अभी हम दोनों तरफ फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपने मार्क किया है वहाँ आप फिटिंग वाली सिलाई लगा लें। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद अभी हम यहाँ पे ये जो कैप आर्म्स हैं उसके नीचे स्ट्रैप अटैच करेंगे। उसके लिए आप एक सीधी स्ट्रैप ले लें जिसकी विड्थ जो है वो करीब 1.5 इंच होगी और उसकी लेंथ जितना आपका ये गैप है उससे 1 इंच आप ज़्यादा लेंगे। इस तरह से पहले आप स्ट्रैप को हल्का सा अंदर को फोल्ड करें और यहाँ पे कैप आर्म्स की एज ख़त्म होती है वहीं से आप इस स्ट्रैप को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से उसी सिलाई के ऊपर से ही आपने ये स्ट्रैप अटैच करनी है। तो ये मैं जो है इस तरह से ये पूरी सिलाई लगा के
इसके साथ ये स्ट्रैप नीचे से अटैच कर लूँगी। उसके बाद आप इसको अंदर को फोल्ड करके इसके ऊपर आप एक और सिलाई लगा दें। यहाँ पे आप इसको डबल फोल्ड कर लें और फिनिशिंग के लिए आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। अगर आप यहाँ पे डबल सिलाई करना चाहते हो तो डबल सिलाई भी कर सकते हो। पहले आप इसकी एजेस पे सिलाई लगा लें और उसके बाद आप इसकी बाहर की तरफ सिलाई लगा लें। इस तरह से ये लास्ट में आप इस सिलाई को पक्का कर दें तो ये हमारी जो स्ट्रैप है वो नीचे आर्म्स के साथ अटैच हो जाएगी। इससे हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी और फालतू एजेस जो हैं फैब्रिक की वो बाहर नहीं दिखेंगी। इसी तरह ही आप दूसरी वाली आर्म भी तैयार कर लें। तो अभी हमारी ये जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गई है। कैप्स आर्म भी बन गई है और नीचे स्ट्रैप भी अटैच हो गई है। उसके बाद अभी यहाँ पे हम इसके बटन अटैच करेंगे और साथ ही साथ इसके बटन होल बनाएंगे। बटन जो है वो नीचे वाली स्ट्रैप पे अटैच होंगे और बटन होल जो है वो ऊपर वाले यहाँ पे हमने बो अटैच किए हैं उनके बिल्कुल सेंटर में बनेंगे। उसी हिसाब से आप यहाँ पे जितने भी बटन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे टोटल हम 4 बटन लगाएंगे तो वो हम नीचे वाले स्ट्रैप पे अटैच करेंगे और बंद होने के बाद इस तरह से वो ऊपर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे जिस जगह पे भी हमने बटन अटैच करने हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो बटन है वो नीचे वाली स्ट्रैप पे अटैच होने हैं और बटन होल जो है वो ऊपर बो के साथ बनने हैं। बटन अटैच करने के बाद और बटन होल करने के बाद ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इस ड्रेस को बच्चे के लिए बना सकते हो और एडल्ट्स के लिए भी बना सकते हो। ये ड्रेस बनाना बहुत ही सिंपल है और समर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। तो प्लीज़ आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये समर्स की स्पेशल ड्रेस है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्रेस कीजिए लाइक बटन। अगर आपको कोई कमेंट और सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऐसी मेरी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। सो गाइस, देखना ना भूलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बेबी गर्ल के लिए प्लाजो बनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय, टेक केयर।